नीम करोली बाबा जो है वो चमत्कारों के लिए बहुत फेमस है। उनका एक बहुत ही फेमस चमत्कार है कि वो जब शुरुआती दिनों में ट्रेन में बैठे थे कैची धाम की ओर आने के लिए, तो उनको उनके उन्होंने टिकट नहीं लिया था और टिकट ना लेने के कारण टीटी ने उन्हें ट्रेन से बाहर निकाल दिया। लेकिन उस स्टेशन से ट्रेन आगे नहीं बढ़ पाई, स्टार्ट नहीं हो पाई, बहुत कोशिश करने के बाद भी नहीं हो पाई। तो किसी ने उनको राय दी कि जो साधु को आपने बाहर निकाला है उनको बैठा लिए, शायद इस वजह से कुछ हो। तो जब उनसे बोला गया फिर ट्रेन स्टार्ट हुई। हम जा रहे हैं नीम करोली और यहाँ पर रुके हैं मामा यादव शिवा ढाबा। अच्छा है, साफ़ सुथरा है, चाय पराठे का है, पराठे का टेस्ट बहुत अच्छा था और अमाउंट भी बहुत नॉमिनल है। सफाई का बहुत ध्यान रहते हैं, वॉशरूम बहुत ही साफ़ सुथरा है, लेडीज़ और जेंट्स वॉशरूम है दोनों ही साफ़ है। लेडीज़ में तो मैं गया नहीं, हालांकि जेंट्स का पता है। तो अभी बीच में कुछ खाने के लिए रुके हुए हैं। यहाँ से करीब 1 घंटे का रास्ता है कैंची के लिए। वहाँ पहुँच के थोड़ा फ्रेश होके बाबा के दर्शन करेंगे, फिर उसके बाद अल्मोड़ा जाएंगे। ओह, नैनीताल, नैनी झील है ये, नैनी झील से होके ही अब जाएंगे कैंची धाम। जय बाबा की, जय नीम करोली बाबा की, जय जय हो। तो बाबा जी के दर्शन कर लिए हैं हमने, नदी के पास बिल्कुल किनारे पर, बहुत ही बेहतरीन लोकेशन पर है, वातावरण बहुत ही सुंदर है इसके आसपास का। तो मंदिर के अंदर अलाउड नहीं है, बट यस काफी बढ़िया है, दर्शन कर सकते हैं आप, अच्छा है। तो ये टाइमिंग भी है, शीतकाल नवंबर मार्च 6 बजे से 7 बजे से साया 6 बजे तक, ग्रीष्मकाल में 6 बजे से शाम को 7 बजे तक। टाइमिंग्स है, टाइमिंग देख लीजिए एक बार, नवंबर टू मार्च एंड अप्रैल टू अक्टूबर। तो बाबा जी का जन्म 1900 में हुआ था, 1973 में इन्होंने समाधिस्थ हो गए थे और यहाँ पर कई सेलिब्रिटीज आते हैं। यहाँ पर मार्क जुकरबर्ग, एप्पल के ओनर भी आए थे यहाँ पर, स्टीव जॉब, और ये काफ़ी इफेक्टिव है। अभी एक हफ्ते पहले विराट और अनुष्का भी यहाँ पर आके दर्शन करके गए हैं। मेरा नाम है लक्ष्मण नारायण शर्मा, जो कि अकबरपुर फिरोजाबाद में पैदा हुए थे, उसके बाद ये इन्होंने यहाँ पर आके तपस्या करी है। जैसे वृंदावन में कैंची में तो अब हम खड़े ही हैं, इस वक्त वृंदावन है और भी आश्रम है। कहते हैं कि एक बार जो नीम करोली आता है वो चमत्कारों से भरा हुआ है, उसकी सारी इच्छा जो है वो पूरी हो जाती है। स्टेशन किया मैंने यहाँ पर करीब 1/2 घंटे और एक अनुभूति है यहाँ पर आने के बाद, जिसमें आप फील कर सकते हैं, मेडिटेशन करिए यहाँ पर, एक कॉस्मिक एनर्जी को फील करिए और जो भी आपको मांगना है वो अपनी इच्छा को प्रकट करिए। भगवान इसीलिए होते हैं ताकि हमारी जो भी एक इच्छा है वो पूर्ण कर सके, जो परेशानी है वो रिमूव कर सके। तो एक बार दर्शन कीजिए महाराज के, बाबा जी के, और देखिए आपके जीवन में क्या चमत्कार हो सकता है। तो पब्लिक कन्वेंस भी यहाँ पर काफ़ी है, बस से आप नैनीताल से आ सकते हैं, दिल्ली से भी डायरेक्ट कैची की बस है,
एंड हल्द्वानी से बस है, तो बस लेकर भी आप यहाँ पर आ सकते हैं। पब्लिक कार है, अपनी प्राइवेट कार है, तो कार की यहाँ पर भी काफ़ी जगह है। बट आप ये देख के आइए कि जो हनुमान जयंती या इस तरह के हनुमान दिवस पे जो है वो काफ़ी भीड़ रहती है यहाँ पर कैथी धाम में। बहुत लंबी लाइन लगती है करीब वहाँ से लेकर एक हमारे पीछे जो सड़क है इससे लेकर काफ़ी मंदिर तक बहुत बड़ी लाइन लगती है। तो ये सब देख कर आइए। से भी बस यहाँ पर डायरेक्ट आती है, उत्तराखंड परिवहन है, दिल्ली आनंद विहार से चल के यहाँ पर आई है। तो अगर आप मॉर्निंग में आ रहे हैं तो यहाँ आकर भी फ्रेश हो सकते हैं। शॉप्स काफ़ी हैं यहाँ पर, रूम्स हैं यहाँ पर और भी प्राइवेट रूम्स हैं और बाबा के वहाँ भी रूम्स बने हुए हैं ये, और प्राइवेट रूम्स भी हैं यहाँ पर, होम स्टे है ये। जैसे बहुत ही विहंगम लोकेशन पर है, दृश्य काफ़ी बढ़िया है, प्राकृतिक नेचर से बिल्कुल घिरा हुआ ये लोकेशन है, मंदिर है, वातावरण काफी अच्छा है अंदर से। रघुपति प्रिय भक्तम वात जातम नमः गोष्पदि कृतवारिशम नशिकी कृतराक्षसम रामायण महामालरत्नम वंदे निलात्मजम अंजनानंदनम वीरम जानकी शोकनाशनम कबीर समक्ष हंत